शिक्षा माफियाओं पर लगाम कसने और भ्रष्ट शिक्षा अधिकारियों पर कार्रवाई किए जाने सहित कुल 10 सूत्रीय मांग को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के सदस्यों ने गुरुवार को जिला विद्यालय निरीक्षक अधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना दिया। धरने के दौरान शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की और अपनी मांग संबंधित ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक को सौंपा। शिक्षक संघ के सदस्यों ने ज्ञापन के माध्यम से समग्र शिक्षा अभियान को लागू कर वित्त विहीन विद्यालयों का सरलीकरण किए जाने, पुरानी पेंशन योजना बहाल किए जाने, राज कर्मचारियों की भांति शिक्षकों को भी कैशलेस चिकित्सा प्रतिपूर्ति की व्यवस्था किए जाने, रोजगार को मौलिक अधिकार बनाकर युवाओं को रोजगार की गारंटी दिए जाने, एकल स्थानांतरण की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर सरलीकरण किए जाने सहित कुल 10 सूत्रीय मांग की। धरने के दौरान संघ के जिलाध्यक्ष सतप्रकाश सिंह, कोषाध्यक्ष चंद्रभूषण मौर्य, महानगर अध्यक्ष दीनानाथ भट्ट, जिला अध्यक्ष सतपाल सिंह सहित संघ के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए संघ के जिला अध्यक्ष सतप्रकाश सिंह ने कहा, सतप्रकाश सिंह जिलाध्यक्ष माध्यमिक शिक्षक संघ गोरखपुर, हमारे साथ जिला मंत्री सतपी नेतृत्व के निर्देश पर आज पूरे प्रदेश में जिला अधिकारी कार्यालय पे अपने 10 दूसरे मांगों को लेकर धरना रखा गया है, जिसमें प्रमुख मांग है समग्र शिक्षा अभियान के तहत उत्तर प्रदेश सरकार भी समग्र शिक्षा लागू कर पूरे प्रदेश के विद्यालयों को एक छतरी के नीचे लाए। दूसरी हमारी मांग है पुरानी पेंशन योजना, नई पेंशन योजना को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना लागू किया जाए, अन्यथा की स्थिति में जो हमारे सांसद हैं, हमारे विधायक हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वह अपनी पुरानी पेंशन को छोड़कर नए पेंशन में दिया में। तीसरी मांग हमारी है कि आरक्षण नहीं तो रोजगार को संवैधानिक अधिकार बनाया जाए, जिससे कि प्रदेश के सभी नौजवानों को रोजी रोटी मिल सके। यह सरकार भ्रष्टाचार गरीबी के लिए सत्ता में आई, लेकिन इतने दिनों के बाद कहीं ये नहीं पता चल रहा है कि भ्रष्टाचार कहाँ गायब हो गया, गरीबी कहाँ गायब हुई, नौजवानों को रोजगार कहाँ मिल रहा है, साथ ही साथ शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार, क्योंकि पिछली सरकारों की तुलना में इस समय शिक्षा विभाग में इतना भ्रष्टाचार है। हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक और संयुक्त शिक्षा निदेशक भ्रष्टम जो भ्रष्टम अधिकारी हैं, इनकी मनमानी है, इन पर किसी का अधिकार नहीं है, न योगी जी का है, न किसी का है, नौकरशाही अध्यापकों का कर्मचारियों का शोषण कर रही है। हमारे पुराने जो एक सोलह के पहले रिटायर हुए अध्यापक हैं, जिनको देखकर हम लोग खुद अपमान होना पड़ता है, जो चलने की स्थिति में नहीं है, वो अपने पेंशन के निर्धारण के लिए आते हैं। कब तक जारी रहेगा आपका आंदोलन? यह आंदोलन की एक दिन का है, लेकिन जब तक जिला विद्यालय निरीक्षक आकर ज्ञापन नहीं लेंगे और समस्याओं के निस्तारण के लिए समय नहीं देंगे, तब तक हम लोग धरनारत रहेंगे और हमारी जिला कार्यकारिणी तब तक यहाँ रहेगी जब तक आकर के ज्ञापन न लें, हमारी समस्याओं का निस्तारण।